इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स कि इंस्टाग्राम में किसी भी फेक आईडी को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसे रिपोर्ट करके उस आईडी को ब्लॉक या बंद करा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इंस्टाग्राम चलाते वक्त आपको बहुत सारे ऐसे अकाउंट मिलती होगी जो कि आपको लगता होगा कि फेक है या फिर गलत कंटेंट शेयर कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। इसे किसी की भावनाएं आहत हो सकती है और उसको आप रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं वह मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप जिस अकाउंट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक कीजिएगा और यदि अगर उसका यूजर नेम पता हो तो यहाँ पे डाल के उसे सर्च कर लीजिएगा, वरना उसके नाम से सर्च कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे एक आईडी डाल रहा हूँ, फिलहाल मैं इस अकाउंट को एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के बाद अकाउंट से जुड़ी हुई सारी चीजें दिख जाती है, फॉर एग्जांपल पोस्ट, फॉलोइंग और फॉलोअर। तो इस अकाउंट को रिपोर्ट करने के लिए सबसे ऊपर में राइट साइड में आपको तीन डॉट दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन डॉट बना हुआ है, तो इस तीन डॉट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट का, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे अब आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इट्स स्पैम और इट्स अनप्रिपेयर्ड। तो अगर आपको लगता है कि स्पैम है तो स्पैम पे क्लिक करिए, या फिर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो क्लिक कीजिए इनप्रिपेयर्ड। तो फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ इट्स स्पैम। तो अब यहाँ पे ये रिपोर्ट चली जाती है इंस्टाग्राम के पास और इसी तरह से बहुत सारे लोग उस अकाउंट को रिपोर्ट करते हैं, तो इंस्टाग्राम समझ जाता है कि ये अकाउंट स्पैम है या फिर फेक है, तो फिर उस अकाउंट को ब्लॉक कर देता है और फिर यदि वे अकाउंट कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर नहीं आती है तो उसे हटा देता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कैसे इंस्टाग्राम में अकाउंट को रिपोर्ट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।